हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है सरकारी लटकों में। दोस्तों बता दें, रेलवे की तरफ से बहुत ही बड़ी खुशखबरी आप सभी को बहुत ही जल्द मिल सकती है। यानी कि दोस्तों सुनिश्चित जो भी रियायतें हैं पिछले 2 साल से बंद है, इसको लेकर अब दोस्तों यहां पे कियावत तेज़ हो चुकी है और दोस्तों ऐसा लग रहा है कि बहुत ही जल्द यहां पे चालू होगी। इस तरह से दोस्तों आप सभी को अपडेट देंगे। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, इस तरह आप सभी को अपडेट देंगे। देख सकते हैं दोस्तों, एक आर्टिकल है रेलवे कंसेशन टू सीनियर सिटीजन, इन सांसद ने लिखी है रेल मंत्री को बुजुर्गों में रेल सफर के रियायतें टिकट शुरू करने की मांग। दोस्तों बता दें, काफ़ी मांग यहां पे तेज हो चुकी है। रेल टिकट पर सीनियर सिटीजन की छूट की मांग सीपीआई सांसद ने लिखी है रेल मंत्री को चिट्ठी। जैसे कि दोस्तों काफ़ी यहां पे कई दिनों से सीनियर सिटीजन की मांग की जा रही है। ऐसे में दोस्तों बता दें, सीपीआई एमपी जो बिनोय यहाँ पे विश्वम है, इन्होंने रेल मंत्री अश्विनी वैभव को यहाँ पर आपको बता दें पत्र लिखकर कहा है कि जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन की रेल किराए में यहाँ पे छूट दी जाए। 22 तारीख का लेटर देख सकते हैं दोस्तों, ऑफिशियल लेटर है, आप सभी को इसी तरह ऑफिशियली अपडेट ही देंगे। तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। देख सकते हैं ट्रू, यहाँ पे श्री अश्विनी वैभव जी, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवेज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, रिस्पेक्टेड अश्विनी वैभव जी, यहाँ पे अक्रॉस द कंट्री यहाँ पे करोड्स ऑफ सीनियर सिटीजन हैव बीन अफेक्टेड बाय द डिसीजन टू विड्रॉ द कंसेशन टू रेलवे टू गिविंग टू डैम। यानी कि दोस्तों उनको जो सीनियर कंसेशन मिलता है उसको विड्रॉ करने से रेलवे को करोड़ों यहाँ पे सीनियर सिटीजन को यहाँ पे काफ़ी यहाँ पे घाटा हो रहा है। ऐसे में तो बता, सीनियर सिटीजन वाज मेड अ लाइट ऑफ द COVID-19 पैंडमिक एंड हैज नॉट बीन रिव्यू डिस्पाइट ऑफ रिपीटेड डिमांड ऑन द सीनियर सिटीजन एज द कंट्री हैज ओपन्ड अप। यानी कि दोस्तों जैसा कि देश यहाँ पे फिर से खुल चुका है COVID-19 के उभरते हुए, और लेकिन अभी तक इतनी मांग होने के बाद भी अभी तक क्यों नहीं चालू किया गया। ऐसे में दोस्तों यहाँ पे आपको बता दें, एमपी का यहां पे कहना है कि द इंडियन रेलवे एस्टैब्लिश विद द प्राइमरी पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग सिटीजन ऑफ इंडिया विद अ इकोनॉमिकल इफिशियंट मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट। जैसा कि दोस्तों यहाँ पे कहा जा रहा है, ओवर द ईयर्स, ओवर 15 ईयर्स, यहाँ पे 15 कैटेगरी ऑफ सिटीजन यानी इंक्लूडिंग सीनियर सिटीजन वेयर अफोर्ड कंसेशन इन ऑर्डर टू मेक देयर ट्रैवल अफोर्डेबल। यानी दोस्तों जैसा कि देश की रेलवे यहाँ पे सभी को आपको कम दामों में यहाँ पे रेलवे प्रोवाइड कराती है, ऐसे में दोस्तों बता दें 50 से भी ज़्यादा को यहाँ पे कंसेशन मिलता था। ऐसे में दोस्तों उन्होंने कहा है कि आपको बता दें, शॉर्टकट तरीके से आइए बता देते हैं। तो जैसे कि दोस्तों यहाँ पे COVID-19 खत्म हो चुका है और फिर से यहाँ पे देश यहाँ पे पटरी पर दौड़ चुका है, ऐसे में दोस्तों COVID-19 यहाँ पे खत्म होने के बाद भी रेलवे ने COVID-19 के यहाँ पे जो इसके चलते जो विड्रॉ किया था यानी कि कंसेशन, उसको अभी तक यहाँ पे चालू नहीं है। वैसे बता दें, विथ ओवर 7 करोड़ सीनियर सिटीजन, यानी दोस्तों 7 करोड़ सीनियर सिटीजन ने दो मार्च 2020 से 2022 तक इससे आपको बता दें इम्पैक्ट हुआ। ऐसे में दोस्तों इनका कहना है कि इन लाइट ऑफ दिस आई अपील टू यू टू रीस्टोर द कंसेशन फॉर सीनियर इन द रेलवेज। यानी दोस्तों इन्होंने यहाँ पे आग्रह किया है कि रेलवे जल्द से जल्द चालू करे, एज मैनी सीनियर सिटीजन आर नॉट इन अ पोजिशन टू पे द फुल यहाँ पे टिकट फी। यानी कि दोस्तों बहुत सारे सीनियर सिटीजन इस हालत में नहीं है कि वो पूरा आपको रेलवे का किराया दे सके। द लैक ऑफ कंसेशन कॉसेज देम ग्रेट हार्डशिप, उनको बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम हो रहा है। ऐसे में दोस्तों, हैविंग सर्व अवर कंट्री ड्यूरिंग देयर वर्किंग लाइफ, इट इज़ इंपॉर्टेंट दैट वी इंश्योर द सीनियर सिटीजन एट अफोर्डेबल डिग्निटी एंड रिस्पेक्ट इन देयर रिटायर्ड। यानी दोस्तों रिटायर्ड में हमें उनको सैल्यूट करना चाहिए और उनको जल्द से जल्द सीनियर सिटीजन की प्रोवाइड करानी चाहिए। दोस्तों ऐसा बता दें, पूरा लेटर में ऐसा कहा गया, जैसा कि दोस्तों लगातार मांग यहाँ पे किया जा रहा है। अब ऐसे में दोस्तों क्या आपका जून में, जुलाई में कभी भी चालू हो सकता है? तो जैसा कि दोस्तों बता दें, काफ़ी डिमांड यहाँ पे किया जा रहा है। साथ साथ आपको बता चले, हाई कोर्ट में केस भी किया गया है, जो कि हाई कोर्ट में आपको बता दें मामला चल रहा है। ऐसे में दोस्तों हाई कोर्ट का निर्णय और यहाँ पे लगातार यात्रियों को मांग को देखते हुए रेलवे बहुत ही जल्द आप सभी को सीनियर सिटीजन के रेल किराए में चालू कर सकता है। बाकी दोस्तों और नई अपडेट आप सभी को चैनल के माध्यम से देंगे, सरकारी लेट ग्रुप पर सिर्फ और सिर्फ देंगे ऑफिशियली अपडेट। तो वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया चैनल को सब्सक्राइब करके इसी तरह आप सभी को रेल लेट अपडेट पाने के लिए मिलते हैं दोस्तों फिर से एक और नई अपडेट के साथ। वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत।